23 जून 2007 में एक ऐसे खिलाड़ी ने डेब्यू किया था इंडिया में जो कि आज वर्ल्ड क्रिकेट में हिटमैन के नाम से जाना जाता है। 2007 से 2013 तक रोहित भाई ऊपर नीचे खेलते रहे, कभी मिडिल ऑर्डर में कभी नीचे, और वहां पे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी इंडिया के पास, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे इसलिए इनकी जगह प्रॉपर नहीं बन पाती थी। कहानी तब शुरू हुई जब 2013 में माही भाई ने बोला कि यार रोहित तू क्या कर रहा है यार, 5-6 नंबर पे खेल के, यहाँ पे फ्लेक्सिबल है टीम, बहुत सारे प्लेयर हैं, कोई दिक्कत नहीं, तू ओपन जा, तुझे डबल सेंचुरी मारनी है, तू डैडी 100 के लिए बना हुआ है। और हमारे हिटमैन की जो क्लास थी ना वो ओपनिंग का स्लॉट ही खोज रही थी जहाँ पे उन्हें लंबा खेलने का मौका मिला, और भाई साहब ने मजाक में ही 3 डबल सेंचुरी मार दी ओडीआई में। 264 का रिकॉर्ड वो कब का बना के बैठे हैं आज तक कोई आसपास नहीं जा पाया। व्हाइट बॉल क्रिकेट इतना आगे जा चुका है फिर भी 264 के बारे में कोई सोचता भी नहीं है भाई वनडे में, सोचो किस लेवल की पारी खेली होगी हिटमैन ने। 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीते एज अ प्लेयर, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते एज अ प्लेयर, अब हम बस चाहते हैं कि एज अ कैप्टन वो एक ICC ट्रॉफी लेकर जरूर जाएं ताकि जो उन्होंने लेगेसी खड़ी की है ना इंडियन क्रिकेट टीम में वो एक रिवार्ड के साथ उनके रिटायरमेंट हो, वो जब भी रिटायरमेंट लेते हैं अगर फ्यूचर में।